प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 17 जनवरी को गुरु सप्तमी आ रही है, जो मध्य प्रदेश के मोहन खेड़ा में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां गुरु राजेंद्र सूर्य जी के भक्त देश विदेश से पधार रहे हैं। ट्रस्ट मंडल भी अपनी सेवा में लगा हुआ है, साथ ही जहां एक बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है। 17 जनवरी को विशाल भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। इस विषय पर गुरु भक्तों ने अपनी खास बात रखी, सुनिए। सर्वप्रथम तो शत्रुंजय अवतार आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदना। विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय कलिकाल कलपुरु दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूर्य महाराज साहब के चरण कमलों में वंदना। वर्तमान में जो हमारे देश विदेश के जो गुरु भक्त है, उनके दिल में एक ही भावना है कि मुझे 17 जनवरी यानी कि गुरु सातम को मोहन खेड़ा दादा के दरबार में मत्था टेकने जाना है। तो आज यहाँ पे इतने गुरु भक्त आए हुए हैं, उनको मैंने सुबह में पूछा कि भैया आप हर साल आते हो, तो कि दादा यहाँ आने से मन को शांति मिलती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और दादा गुरुदेव के चरणों में हम जो भी मनोकामना रखते हैं, वो मनोकामना दादा गुरुदेव हमारी पूर्ण करते हैं। मुझे आज भी याद है कि इतने सालों में मैं करीब 35 साल से ये गुरु सप्तमी पे यहाँ आ रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इतना मतलब लगाव हो गया है कि मैं 92 से मैं यहाँ आना शुरू हुआ था, और आज मतलब 2023 से यहाँ का जो ट्रस्ट मंडल है इतना स्नेहवान और ऊर्जावान है कि यहाँ पे 85 और 86 के जो ट्रस्टी है हमारे फतेहलाल जी कोठारी, वो भी आज जवानों से भी आगे बढ़ के काम करते हैं। और इस साल ट्रस्ट मंडल ने मुझे मेरा अध्यक्ष की जो जवाबदारी सौंपी है, मैं ट्रस्ट मंडल का भी आभार करता हूं, और सभी देशवासियों को गुरु सप्तमी की हार्दिक शुभकामना। जय जिनेंद्र। लाल कोठारी एडवोकेट महामंत्री मोहन खेड़ा ट्रस्ट, इस तीर्थ से मुझे जुड़े हुए करीब 50 वर्ष हो चुके। आज की तारीख में मेरे साथ जो भी ट्रस्टी तत्कालीन समय में बने थे वो मेरे साथ अब नहीं है, अब नए ट्रस्ट के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन खेड़ा में मैं जब आया था उस दिन मैं कुछ अजब सोच में था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे यहाँ की स्थिति को समझा, आने वाले लोगों से पूछा, समझा कि इनके मन में क्या भाव है और किस भाव से यहाँ आते हैं, जानकारी उनसे ही मिली कि वे निश्चित रूप से गुरुदेव के प्रति आस्थावान है, विद्याचंद सूरी महाराज साहब के प्रति आस्थावान है, इस तीर्थ के प्रति आस्थावान है। आस्थावान का मतलब क्या हुआ? आस्थावान का मतलब ये कि उनकी मनोकामना हमेशा या आने के बाद मुराद पूरी होती रहती है, और वो ये संकल्प करते हैं कि ऐसा होगा तो 5 बार 10 बार 15 बार आएंगे। लोग यहाँ आकर अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए चाहते हैं। यहाँ ये देवालय नहीं है, सेवालय है। यहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है, गौशाला है, और गरीब बच्चों को स्थायी रूप से रहने का एक साधन है। ऐसे एक इंटरनेशनल हाई स्कूल भी चल रहा है, ऐसे कई संस्था हैं, महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है, गरीबों को कोई तकलीफ होती है दूर करने के हम पूरा प्रयास करते हैं, और यह राशि आम जनता देती है इस विश्वास के साथ कि हम उस पैसे का सदुपयोग करेंगे। तो मैं सोचता हूँ जितने लोग आते हैं वे आस्थावान हैं, आस्था के साथ आते हैं, उनके मन में गुरुदेव के प्रति अतिम श्रद्धा है, और वो भी खंडित होती नहीं है। संख्या अगर मैं देखूं कि 50 वर्ष पूर्व जो संख्या थी 1000, आज हो गई 50,000। निरंतर
उनके भक्तगण की संख्या वृद्धि हो रही है और जब तक कहीं चमत्कार नहीं होता है वहां नमस्कार नहीं होता। जय धीरेन्द्र, धन्यवाद। विजय राजेंद्र सुरस्वती मार साहब को गुरुदेव की कृपा मेरे पर काफ़ी रही है। मैं मोहनखड़ा तीर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी 2008 के अंदर मैं तबीयत खराब हुई थी, मेरे को कैंसर हो गया था। मैं गुरु सप्तमी के 2 दिन पहले इंदौर हॉस्पिटल में एडमिट था। गुरुदेव के मेले के दिन मेरे पास आवाज़ आ रही है, बाबू मोहनखड़ा आ जा। मैंने कहा मेरी स्थिति नहीं है मोहनखड़ा आने की, बोले आ जाओ अच्छा लगेगा। 20 मिनट बाद फिर आता फोन, जैसे खड़े वैसे गाड़ी में बैठ के आ जा। मैं जैसे आया मेरे चार्जर उठा के मेरे रूम में ले गए। रूम में जाने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं पूजा कर लूँ। मैंने अपना कपड़ा वस्त्र बदले, पूजन करने गया। आपको हकीकत बताता हूँ, मैं पैदल उतर के गया। मेरे रूम से उतर के गुरुदेव के मंदिर में पैदल गया। मेरे को आधा घंटा वहाँ सामने बैठने का मौका मिल गया। मेरी इच्छा एकदम हुई कि मैं गुरु महाराज के चैन चढ़ाऊँ, मेरे एकदम स्वस्थ हो गया। पेड़ी में मुनीम साहब को बोला कि मेरे को चैन ला के, तो बोले यहाँ नहीं मिलती है, बोले राजगढ़ जाओ लाओ। फिर मेरे को आधा घंटा मौका मिल गया बैठने का गुरुदेव के सामने। मैं आज वो चैन चाहने बाद मैं इतना तंदुरुस्त हूँ कि मुझे कोई कहने की जरूरत। और मैं मोहनखड़ा का कष्टी हूँ, मेरे को 20 साल हो गए यहाँ कष्टी बनने के। उसके बाद यहाँ कितना चमत्कार मैंने देखा, ये मैं आपको कोई वंदन नहीं कर सकता। यहाँ सेवा करने आता हूँ तो मेरे को दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ सेवा में मैं मग्न रहता हूँ। गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे को स्वस्थ रखें और मेरे को गुरुदेव की सेवा करने को मिले। जहाँ भी मौका आता है, खबर आती है मोहनखड़ा से, तत्काल भग के आता हूँ और सेवा देता हूँ। ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव राजेंद्र सुरसर मार साहब मैं जावरा में किरोद्धार किया उन्होंने, मैं जावरा का रहने वाला हूँ। किरोद्धार भूमि के ठीक सामने मेरा मकान है, ये भी उन्हीं की कृपा है। इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, सबको नमस्कार। विश्वमत विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोहनखेड़ा जो तीर्थ है जैन कम्युनिटी का, वो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पे जो भक्त हैं मोहनखेड़ा के गुरु महाराज के, वो केवल भारत भर में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। और ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि गुरु महाराज के दरबार में जो भी आता है अपनी मनोकामना अच्छे मन से अगर करता है तो उसकी पूरी मनोकामना सिद्ध होती है। और मुझे भी सन 2006 में गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो शताब्दी समारोह यहाँ पे मोहनखेड़ा में हुआ था, जिसके यहाँ पे और उसका सचिव बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। और वो कार्यक्रम जो है मोहनखेड़ा के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। तो मोहनखेड़ा जो है, आपने देखा होगा कि राजगढ़ के अलावा पूरे जो क्षेत्र है आसपास का, यहाँ पे जैन समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी गुरु महाराज को उसी श्रद्धा भाव से देखते हैं, उसी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। मैं मोहनखेड़ा में इस अवसर पर जितने भी यहाँ पे दर्शनार्थी और भक्त लोग पधार रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय गुरु राजेंद्र। सरदारपुर तहसील से विशेष सिंह राजपूत की रिपोर्ट।